हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस चैनल आर के तड़का पर। आज की वीडियो होगी एजुकेशन के बारे में, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं और हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। जैसा कि नेल्सन मंडेला जी ने कहा है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप एजुकेटेड हो तो आप समाज में गरीबी का सामना कर सकते हो और जेंडर इनइक्वालिटी को एलिमिनेट कर सकते हो और सभी प्रॉब्लम का इजीली समाधान कर सकते हो। हमारे सोसाइटी में बहुत ही तरीके के लोग रहते हैं और सभी का अलग ही दिमाग है, और अगर आप एजुकेटेड हो तो आप सही और गलत का फैसला कर सकते हो और अपने आइडियाज़ से सभी को सही राह दिखा सकते हो। जैसा कि हमने देखा है, गरीबी के कारण लोग पढ़ाई करना बंद कर देते हैं और काम करने लगते हैं, और वह अनपढ़ बन जाते हैं और अपने भविष्य खराब कर लेते हैं। पढ़ाई करके आप सही और गलत का फैसला कर सकते हो, और अगर किसी के साथ अन्याय हो तो उसके खिलाफ खड़े हो सकते हो और सही और गलत का फैसला कर सकते हो। एजुकेटेड हो के आप ना सिर्फ लोगों को बल्कि पूरे देश और दुनिया को बदल सकते हो। अगर आप कोई भी मुश्किल में पड़ जाओ तो आप उसका समाधान ज़रूर निकालोगे अगर आप एजुकेटेड होंगे तो, और आप अपना जीवन जीवन में कामयाबी चाहते हो तो एजुकेटेड ज़रूर बने और अपने और अपने देश का भविष्य ज़रूर सुधारिए। सभी को सही राह दिखाने की कोशिश ज़रूर करिए। और हाँ दोस्तों, अगर एजुकेशन आपको मिले तो इसका पूरा लाभ उठाए, क्योंकि अगर ये एजुकेशन आपने पा ली तो आप अपना भविष्य बदल सकते हो। और अगर किसी को आपने परेशानी में देखा तो उसकी मदद ज़रूर करें, और हमेशा कोशिश यही करें कि आप इतना काबिल ज़रूर बने कि आप अपना और अपने परिवार को संभाल सके। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, देर से ही सही मगर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग हैसियत पूछते हैं, खैरियत नहीं। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे इस चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। जय माता दी।